हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और ये जो हमारा नया टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक है मोबाइल हैंग क्यों करता है या मोबाइल हमारा हीट क्यों करता है। जनरली आज के समय में जो लोग फ़ोन परचेस करते हैं उन लोगों के मोबाइल में ये दो प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं हर दूसरा तीसरा फ़ोन इस प्रॉब्लम से पीड़ित रहता है कि मोबाइल हैंग कर रहा है या मोबाइल हमें हमारे हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे या हम किन टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं या हम ऐसी क्या चीज़ें फॉलो करें जिस बेसिस पर हमारे मोबाइल के अंदर ये दोनों प्रॉब्लम्स ना हो, तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले याद हमें रखना है कि हमें अपने मोबाइल के अंदर कभी भी मोबाइल में थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं करना है। थर्ड पार्टी ऐप का मींस क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ का मतलब ये हो गया जो गूगल की ऑफिशियल ऐप स्टोर पर ना मिल करके डायरेक्टली गूगल पर जा करके जिन ऐप्स को हम लोग डाउनलोड करते हैं वो ऐप्स कहलाते हैं थर्ड पार्टी ऐप। यानी हमारे पास में ऐप्स को डाउनलोड करने के दो साधन हैं, एक तो हमारा गेट ऐप्स है जो कंपनी खुद से देती है, अपनी तरफ से देती है, वो उसका ऑफिशियल ऐप होता है, और एक ऐसा होता है जो एंड्रॉयड फ़ोनों में होता है यानी ऐप स्टोर, प्ले स्टोर आप सबके मोबाइल में होता है। तो आप क्या करते हो, कुछ ऐप आपके ऐसे होते हैं जो प्ले स्टोर पर ना मिल करके डायरेक्टली गूगल पर मिलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उन ऐप्स को गूगल से डाउनलोड करते हैं। तो वो ऐप्स देखिए क्या करते हैं, पहली बात तो वो ऐप्स हमारे स्टोरेज जो कैपेसिटी है एक तो वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दूसरा जब हम उन ऐप्स का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पीरियड में हमारा मोबाइल नॉर्मल से अधिक वर्किंग करता है, हमारे मोबाइल की बैटरी का बैकअप ज़्यादा हो जाता है, मतलब खर्च होता है, यानी हमारी बैटरी नॉर्मली नॉर्मल खर्च से ज़्यादा बैटरी खर्च होती है। इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर आप अपने मोबाइल में ये हैंगिंग प्रॉब्लम और हीट प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में कभी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ ना करें। नंबर दो पर, मोबाइल को हमेशा ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करें, मोबाइल में ओजी चार्जर से चार्जिंग करना। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में इसके बारे में काफ़ी डीपली बता रखा है कि अगर आपको अपने मोबाइल की बैटरी की परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमेशा ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करना है। तो एक ये भी कारण होता है कि अगर आपने किसी दूसरे मोबाइल के चार्जर से चार्ज किया है तो आपका मोबाइल नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हीट करने लग जाता है। तो अगर आपको अपने मोबाइल की इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो आप क्या करिए, हमेशा ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करिए, कभी भी कोई दूसरे चार्जर का यूज़ नहीं करना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तीसरी बात क्या है कि हमें जो स्टोरेज मिलता है कंपनी की तरफ से, जैसे सपोज़ करिए आपका फ़ोन 128 GB का है तो हम लोग क्या करते हैं 128 GB के फ़ोन को हम लोग 100 GB 110 GB 112 GB ऐसे हम लोग पूरा भर लेते हैं और इस वजह से क्या होता है हमारे फ़ोन में कंजम्पशन, बैटरी कंजम्पशन बढ़ता है, हमारे मोबाइल की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है, जिस कारण से हमारा मोबाइल या तो हैंग करता है और या तो हीट करता है। तो कभी भी याद रखिए कि आपका मोबाइल अगर बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उसकी भर गई है, यानी अगर वो 128 GB का फ़ोन है और 110 GB वो दिखा रहा है, तो आप फौरन क्या करिए उस मोबाइल से कुछ जो डेटा है उसको हटा लीजिए और इतना उसके अंदर डेटा रखिए जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मोबाइल हीट होने और हैंग होने से बचता है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टोरेज को मेंटेन करना, आपको अपने स्टोरेज को मेंटेन करके रखना होता है। ऐसा करने से हमारे मोबाइल में ये जो हैंगिंग प्रॉब्लम है या हमारे मोबाइल की ये जो हीटिंग प्रॉब्लम है, इस हैंगिंग और हीटिंग प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। चौथी बात, मोबाइल में बहुत हाई स्टोरेज वाले ऐप से बचना। जैसे मोबाइल में हाई स्टोरेज ऐप का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले स्टोरेज ऐप से बचें।
हाई स्टोरेज ऐप का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में गेम खेलने के लिए आप एक ऐप डाउनलोड करते हो, पबजी या BGMI ऐसे करके ये बहुत सारे ऐप हैं। ये ऐप्स क्या होते हैं, ये ऐप्स आपके बहुत ज़्यादा MB के होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा के होते हैं। और जब हम लोग एक नॉर्मल फ़ोन के अंदर इन ऐप्स का यूज़ करते हैं तो हमारा मोबाइल क्या होता है, हीट बहुत करता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हीट करते करते हमारा मोबाइल हैंग भी कर जाता है, तो और हमें लगता है कि पता नहीं हमारे मोबाइल में क्या दिक्कत। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐप्स से बचना है जिसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कोई भी ऐप अपने मोबाइल के अंदर यूज़ नहीं करना है। नंबर 5 पर हम लोग देखते हैं, बहुत सारे ऐप हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे फ़ोन को सपोर्ट करते हैं और बहुत से ऐप ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसको चलाने के लिए हम लोग एक VPN का यूज़ करते हैं। VPN से क्या होता है, वो ऐप हमारे मोबाइल में चल जाता है। तो हमेशा याद रखना है आपको कि जो VPN है इसका यूज़ आप उन्हीं ऐप्स के लिए करें जो ऐप्स आपको बहुत ज़रूरी है या जिसके बगैर आपका कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो रहा है या नुकसान हो सकता है, तभी आप VPN का यूज़ करें। अदरवाइज आप नॉर्मल कंडीशन में कोई भी VPN यूज़ ना करें और ना VPN यूज़ करके कोई ऐप चलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके मोबाइल में ये हीटिंग प्रॉब्लम या हैंगिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिनसे आप अपने मोबाइल को हैंगिंग प्रॉब्लम से और हीटिंग प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने कुछ और कोई नए वीडियोज़ में जिसमें हम आपको और भी कुछ बातें बताएँगे। थैंक यू सो मच।